भाई विराट कोहली ने जब भी टेस्ट मैच में टॉस जीता है ना, इंडिया कभी नहीं हारी है। लेकिन डे नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारी है। पर ऐसा लगता है कि ये मैच खत्म होने के बाद इनमें से एक रिकॉर्ड तो टूट ही जाएगा। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट और पहला दिन एडिलेड में विराट कोहली के टॉस जीतने के साथ ये शुरू हुआ और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया। टॉस जीतने के जश्न में रवि शास्त्री शाम का प्रोग्राम सेट कर रहे थे कि बेन स्टोक्स हो गया। क्या सॉरी मतलब दिन की दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ मिशेल स्टार्क को अपना विकेट दे बैठे और मीम बनाने वाले को कंटेंट दे बैठे। मतलब जितने सेकंड उन्होंने क्रीज पर बिताए हैं ना, उतने ही सेकंड में वो इंटरनेट पर ट्रेंड हो गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पहले घंटे में बॉल नहीं फेंक रहे थे, आग बरसा रहे थे आग। लेकिन पुजारा जी के लड़के चेतेश्वर और अग्रवाल जी के लड़के मयंक ने बड़ी सूझबूझ से खेलते हुए 32 की पार्टनरशिप करी और मयंक अग्रवाल को आउट करके पैट कमिंस ने वो पार्टनरशिप तोड़ भी डाली। लंच तक हिंदुस्तान का स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। सेकंड सेशन में कोहली और पुजारा ने जम के मोर्चा संभाला। उनको आउट करने का ऑस्ट्रेलिया वालों का प्लान वैसे ही फेल हो रहा था जैसे हम सबका गोवा घूमने का प्लान फेल होता है। सॉरी, पुजारा इतनी जबरदस्त टेस्ट बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे थे जिसे देखकर कछुए को भी लग रहा होगा कि इस धरती पर मुझसे भी स्लो कोई आ गया है क्या भाई साहब। पूरे दिन 147 गेंद खेलने के बाद पुजारा ने अपनी पहली बाउंड्री मारी। भाई साहब पुजारा अपनी 50 की तरफ और इंडियन क्रिकेट फैंस अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे हौले हौले। लेकिन तभी नाथन लियोन ने इस पर ब्रेक लगाया और पुजारा को पवेलियन पहुंचा दिया। क्रीज पर भारत के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे मौजूद थे और डिनर करने के बाद तीसरा सेशन चालू हो चुका था। कोहली भैया फॉर्म में दिख रहे थे। वैसे भी विराट कोहली और एडिलेड स्टेडियम का वही नाता है जो मजनू और लैला का है और रोमियो और जूलियट का। आपको याद दिला दें, इस ग्राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद 2016 में महेंद्र सिंह धोनी ने बयान दिया था कि विराट को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन इतनी रास आती है कि उनके नाम का ग्राउंड यहाँ बने न बने एक स्टैंड तो उनके नाम का रख ही दिया जाएगा। विराट कोहली ने इस ग्राउंड के साथ अपने प्यार को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। कप्तान और उप कप्तान सेट हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि आज का दिन भी सेट हो गया है। लेकिन जोश हेजलवुड इस दौरे पर विराट कोहली के पीछे एकदम वैसे ही पड़े हैं जैसे गोविंदा अपनी पिक्चरों में कादर खान की बेटी के पीछे पड़ते थे। मतलब यार इस बार भी उन्होंने कोहली का आउट किया, बॉलिंग से नहीं फील्डिंग से। कोहली 74 के स्कोर पर रन आउट हुए और उनकी इस साल सेंचुरी का इंतजार अब और लंबा खींच चुका है। विराट के जाने तक स्टेडियम की सारी लाइटें जल गई थीं और इंडियन बैटिंग की लाइटें बुझनी शुरू हो गई थी। उनके पीछे पीछे अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए और उसके बाद हनुमा विहारी पर भी हेजलवुड भारी पड़ी। भारत ने 18 रन के बीच 3 विकेट गंवा दिए थे। वो तो भला हो अश्विन और साहा का जो आखिर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी सह गए। दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 6 विकेट खोकर 233 रन बनाए। कल दूसरे दिन का मैच सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और कल के दिन का भी पूरा हाल चाल और बवाल लेकर हम वापिस इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से पहले सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। बहुआ एंड रॉनक साइनिंग आउट। आप भी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।